स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो को जो ऑपोजिशन, जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उस ऑपोजिशन को, उस रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहा जाता है। दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी। अब ये ऑपोजिशन क्या है, किस तरीके से एक लिक्विड जो है वो ऑपोजिशन का सामना करता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने के लिए, उसको डिटेल में देखने के लिए हम लोग यहाँ बात करेंगे दो पैरेलल प्लेट। मैंने दो पैरेलल प्लेट ली है, एक ये मेरी प्लेट है और एक ये मेरी प्लेट है। और इन दो प्लेट्स में से जो मेरी बॉटम प्लेट है, यानी कि जो नीचे वाली प्लेट है वो फिक्स है, और ऊपर वाली जो मेरी प्लेट है वो, उसको मैंने मूव करवाया है विद वेलोसिटी वी। मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक नीचे वाली, ऊपर वाली। जो ऊपर वाली प्लेट है उसको हम लोगों ने वी वेलोसिटी से मूव कराया है। ऊपर वाली प्लेट को हम लोगों ने वी वेलोसिटी से मूव करवाया है। और ये जो यहाँ पर पोर्शन आपको नजर आ रहा है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बी सी डी ई पोर्शन की, ये बी सी डी पोर्शन क्या है? ये वो लिक्विड है, ये वो लिक्विड है जो हमने इन दो प्लेट्स के बीच में कंसिडर किया है। बी सी डी ई वो पोर्शन है लिक्विड का, बी सी डी ई वो पोर्शन है लिक्विड का जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से आप लोगों को दिख रहा है, जिसे हमने इन दो प्लेट्स के बीच में कंसिडर किया है। अब हम लोगों ने वी वेलोसिटी से अपनी जो टॉप प्लेट है उसको हम लोग मूव कर रहे हैं, और अगेन हमारे जो बॉटम यानी कि नीचे वाली जो प्लेट है वो फिक्स है, नीचे वाली प्लेट हमारी फिक्स है। जो वेलोसिटी है लिक्विड की लेयर्स की, जो ये लिक्विड है बी सी डी, इस लिक्विड की लेयर्स की जो वेलोसिटी है, जो लिक्विड की लेयर्स की वेलोसिटी है, वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर एनक्लोज बिटवीन बी सी डी इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर की तरफ जो हमारी वेलोसिटी है लिक्विड की वो बढ़ रही है। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। नाउ यहां पर हो क्या रहा है, या फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे आता है, ये समझिए। मैंने कहा कि जो वेलोसिटी है लेयर्स की वो बढ़ रही है, नीचे वाली वेलोसिटी, नीचे वाली लेयर्स की वेलोसिटी कम है, ऊपर वाली जो लेयर्स है उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, और यहां से जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब होगा क्या, जो भी फास्ट मूविंग लेयर्स होंगी लिक्विड की, जो भी फास्ट मूविंग लेयर होंगी लिक्विड की वो पुल करेंगी स्लो मूविंग लेयर्स को, जो भी फास्ट मूविंग लेयर्स होंगी लिक्विड की वो पुल करेंगी स्लो मूविंग लेयर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। भाई हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, उनको भी वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ जो है पुल वो करवाएंगी। ये पोर्शन आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूं दैट फास्ट मूविंग लेयर पुल फॉरवर्ड द लोअर स्लो मूविंग लेयर। जो फास्ट मूविंग लेयर है वो अपने से नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली लेयर्स क्या है, उनकी वेलोसिटी कम है ना, मैंने कहा कि वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे से ऊपर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जल्दी चलने वाली जो फास्ट मूविंग लेयर है वो पुल करती है स्लो मूविंग लेयर्स को आगे की तरफ, आगे की तरफ। और जो भी स्लो मूविंग लेयर्स है, जो भी स्लो मूविंग लेयर्स है वो पुल कर रही है, जो स्लो मूविंग लेयर्स है वो पुल कर रही है फास्ट मूविंग लेयर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगेन जो भी फास्ट मूविंग लेयर्स हैं, जो लेयर्स जल्दी जल्दी हाई स्पीड से फास्टली जो मूव कर रही हैं, वो पुल कर रही हैं स्लो मूविंग लेयर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो स्लो मूविंग लेयर्स हैं वो पुल कर रही हैं फास्ट मूविंग लेयर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो पुल का जो सारा सिस्टम चल रहा है, स्लो वाली फास्ट वाले को पुल कर रही है, फास्ट वाली स्लो वाले को पुल कर रही है, तो एक लिक्विड में, एक लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बन जाता है, एक लिक्विड में इंटरनल जो फोर्स है वो जनरेट हो जाता है, इंटरनल ऑपोजिशन जो है वो जनरेट हो जाता है। इस तरीके के फोर्स को, इस तरीके की ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन ही तो हो गई कि फास्ट वाली स्लो वाली कह रही उधर चल, स्लो वाली फास्ट वाली कह रही उधर चल, तो एक इंटरनल ऑपोजिशन जो है फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिस फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। दैट वेरी सिंपल फोर्स, दैट फोर्स
इज नोन एज द विस्कस फोर्स। अब यहां पर जो मैंने लिक्विड लिया है उसकी थिकनेस मैंने एल ली है, जो लिक्विड मैंने लिया है उसकी थिकनेस मैंने एल ली है, जो एफ है वो मेरा टेंजेंशियल फोर्स है जो मैं यहां पर अप्लाई कर रही हूं। अब ये टेंजेंशियल फोर्स कहां से आया? अब देखो एक इंटरनल ऑपोजिशन जो है वो जनरेट हो चुका है, तो हम लिक्विड की फ्लो को, रिलेटिव मोशन को, हम चाहते हैं कि हमारा जो लिक्विड का फोर्स फ्लो है वो मेंटेन रहे, जो रिलेटिव मोशन है लेयर्स के बीच का वो मेंटेन रहे। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द वेलोसिटी बिटवीन डिफरेंट लेयर्स अ फोर्स एफ इज रिक्वायर्ड। हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम एक एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियली, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टेंजेंशियली, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू मेंटेन द वेलोसिटी बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, ताकि ये ऑपोजिशन जो है, ये जो ऑपोजिशन, जो इंटरनल जो ऑपोजिशन क्रिएट हुई है उसको हम लोग अपोज कर सके। उसको अपोज करने के लिए हम लोग जो एफ फोर्स है वो अप्लाई यहां पर कर रहे हैं, हम एफ फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हैं। लेट एल इज द थिकनेस ऑफ लिक्विड, एफ इज द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, जो लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट है वो कितने पोर्शन से हुआ है? पहले मेरा लिक्विड बी सी डी पर था, पहले मेरा लिक्विड बी सी डी पर था, अब कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद, मेरा लिक्विड एफ जी ई डी पोजीशन पर आ चुका है। पहले ये लिक्विड था, मैंने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो लिक्विड लेयर का जो है वो कवर हुआ है, और अब मेरा जो लिक्विड का पोर्शन है वो एफ जी ई डी बन चुका है। मेरा जो लिक्विड का पोर्शन है वो एफ जी ई डी बन चुका है, या मैं यू कहूं कि अब जो मेरा लिक्विड एनक्लोज्ड है इन दो प्लेट्स के बीच में वो ये शेप ले चुका है एफ जी ई डी। जब मैंने इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, किस पर? जब मैंने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया अपर प्लेट पर, जब मैंने अपर प्लेट पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो ये चीज देखी गई। अब BF क्या है? BF यानी कि डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू होगी V डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम के बाद हमारा जो लिक्विड फ्लो पहले यहां था, जो मेरा लिक्विड का पोर्शन ये था, वो ये बन चुका है जिसे मैंने कॉन्टिन्यूस लाइन से शो किया है। तो BF मेरा कितना है? V डेल्टा टी है। और ऐसा देखा जाता है कि फॉर दी फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड के लिए स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट के। फॉर दी फ्लोइंग लिक्विड्स, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट के, या मैं यूं कहूं कि जो मेरा कोफिशिएंट होगा, विस्कोसिटी का नीटा, जिसे हम लोग नीटा के नाम से जानते हैं, वो स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन रेट होगा। क्योंकि फ्लोइंग लिक्विड्स के केस में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट के, इसीलिए जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। अब अगर मैं स्ट्रेन रेट की बात करूं, स्ट्रेन रेट का मतलब क्या है? स्ट्रेन रेट इज नथिंग बट द चेंज इन स्ट्रेन डिवाइड बाय टाइम, और आई कैन सिंपली से दी चेंज इन डायमेंशन। जैसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। चेंज कितना आया है? डेल्टा एक्स का है। ओरिजिनल थिकनेस कितनी थी लिक्विड की? एल की थी, तो डेल्टा एल, डेल्टा एक्स बाय एल। रेट निकाल रहे हैं, तो स्ट्रेन को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। रेट का सीधा सा फॉर्मूला है, चेंज इन स्ट्रेन बाय वे टाइम इंटरवल की, कितना टाइम लगा जहां पर भी रेट आ जाए। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या पढ़ते हैं? डीपी बाई डी टी पढ़ते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जहां पढ़ते हो वहां डीपी बाई डी टी पढ़ते हो। ऐसे ही स्ट्रेन रेट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन और द रेशियो ऑफ चेंज इन स्ट्रेन बाय टाइम, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स बाय एल बाय में डेल्टा टी, जिसे मैं लिख सकती हूँ
वी बाय एल। अब स्ट्रेस क्या होता है हमारा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने कहा था क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन रेट के, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन रेट के, तो यहां से मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट होगा ना। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू नीटा इंटू स्ट्रेन रेट। तो यहां से नीटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बन जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट। स्ट्रेस की वैल्यू थी एफ बाय ए और स्ट्रेन रेट की वैल्यू है वी बाय एल। तो मेरा जो नीटा है, मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बन जाता है एफ एल बाय में वी ए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है मेरा, उसका जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है एफ एल बाय में वी ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मान लीजिए मैं दो लिक्विड की लेयर्स लेती हूं, मैं दो लिक्विड की लेयर्स लेती हूं जो dx डिस्टेंस अपार्ट है। सपोज मैंने दो लिक्विड की लेयर्स ली हैं जो dx डिस्टेंस अपार्ट है, कुछ इस तरीके से कि उन दो लेयर्स की जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, मान लो एक v1 से है एक v2 से है, उन दो लेयर्स की जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो dv है। तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए, मैंने दो लेयर्स ली, मैंने दो लिक्विड लेयर्स ली, उन दो लिक्विड लेयर्स का जो डिस्टेंस है, जो उनका सेपरेशन है वो dx है और dv उनकी डिफरेंस इन वेलोसिटी है। मान लो एक v1 से चल रही है, एक v2 से चल रही है, तो जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो dv है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस क्या होगा, dv बाय dx होगा ना, dv बाय dx होगा ना। तो मैं इस इक्वेशन में मैं v बाय l की जगह dv बाय dx भी तो लिख सकती हूं। इस इक्वेशन में मैं v बाय l की जगह dv बाय dx भी तो लिख सकती हूं। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं v बाय l की जगह dv बाय dx भी तो ले सकती हूं। v क्या है, v मेरी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से मैंने अपनी अपर प्लेट को हम लोगों ने मूव किया है। v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारी जो अपर लेयर है उसको मूव करवाया गया है, जो टॉप प्लेट है उसको मूव करवाया गया। और l क्या है, थिकनेस ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैं लिख सकती हूँ कि v by l जो है वो d by dx के बराबर है। v by l जो है वो dv by dx के बराबर है। तो यहां पर मेरे पास टर्म थी एफ एल बाय में वी ए, ये बन गया f बाय में a इंटू वी बाय में l, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू f बाय में a इंटू dv by dx। ये मेरा एक्सप्रेशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि नीटा का। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि नीटा। सिंपल सा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है कि जो आपका स्ट्रेन रेट है उसको और आपका जो स्ट्रेस है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट्स क्या रहने वाली हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है विस्कोसिटी का वो है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ऐसा यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड। CGS है आपकी डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड। और रिलेटिव विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भाई न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कभी कभी वो कहते हैं कि रिलेटिव विस्कोसिटी भी निकालो, विस्कोसिटी ऑफ मटीरियल भी आपको निकालने के लिए दी जाती है। तो रिलेटिव विस्कोसिटी में कुछ नहीं करना, जो आपकी लिक्विड की विस्कोसिटी आई है
उसको वाटर की विस्कोसिटी से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वहां से आपकी जो रिलेटिव विस्कोसिटी है वो आ जाएगी। अगर आप विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को विस्कोसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे तो उस लिक्विड की जो रिलेटिव विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो इन टुडेज वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विद दिस। बी रेगुलर विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। थैंक यू।